100% ग्लूटेन फ्री। फ्रेंड्स, ना आपने कभी ऐसा नाश्ता बनाया होगा और ना ही कभी आपने खाया होगा, ये मेरी 100% की गारंटी है। फ्रेंड्स, अगर आप डाइट कर रहे हैं और टेस्टी खाना भी खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए खास है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये रेसिपी जितनी टेस्टी है उतनी ही हेल्दी है और बच्चों को भी ये खूब पसंद आती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती आप सभी का मेरी चैनल पर खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी हर वीडियो से नोटिफाई रहे। एक परात में मैंने यहाँ पे 2 बाउल ज्वार का आटा लिया है। अब हम ऐड करेंगे 1.5 कप बाजरी का आटा। अब इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई हरी मटर। यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर ली है जिसको मैंने मिक्सर में क्रश कर कर लिया है, तो हरी मटर ऐड कर देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। अब ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियन 1 बाउल। अब ऐड करेंगे हरी लहसुन 1/2 बाउल और हरी मिर्च जिसको बारीक चॉप करके लिया है। यहाँ पे हम तीखेपन के लिए हरी मिर्च का यूज़ कर रहे हैं, तो हरी मिर्च तीखी ले। और 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। मोइन के लिए 2 टेबलस्पून तेल डाल देते हैं और सारी सामग्रियां हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, इतनी डिलीशियस रेसिपी के लिए 1 लाइक तो ज़रूर बनता है। थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छे से आटा गूंद लेते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से आटा गूंद लेती हूँ। तो हमारा आटा अच्छे से गूंद कर तैयार है, तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल के हम अच्छे से 2 मिनट के लिए मसल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आटा तैयार है। इस तरह से हमें सॉफ्ट आटा गूंदना है और 10 मिनट के बाद में इसमें से रोटी से 2 गुना ज़्यादा बड़ा पेड़ा ले लेती हूँ और ज्वार का सूखा आटा लगा के हम अच्छे से बेल लेते हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से बेल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आप इसे आसानी से बेल सकते हैं। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ, इतना मोटा हमें बेलना है। तो यहाँ पे मैंने आयन का तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम हमारी रोटी रख देते हैं। आप इसे रोटी पराठा कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस है, तो आप इसे अपना मनचाहा नाम दे सकते हैं। तो इसे मैं टर्न करके ऊपर से घी में सिक लेते हैं। यहाँ पे मैं घी लगा रही हूँ, आप चाहे तो तेल में भी इसे सिक सकते हैं। याद रहे फ्रेंड्स, ये थोड़ा हमने थिक बेला है, तो इसे हम मीडियम टू स्लो गैस पर ही सेकेंगे ताकि अच्छे से सिक जाए। तो इसे हम टर्न करके दूसरी साइड भी घी लगा देते हैं। तो इस तरह से हम उलट पुलट करके दोनों साइड अच्छे से ब्राउन हो जाए तब तक सिक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा
डिलीशियस नाश्ता। तो मैं इसे एक प्लेट में ले लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा डिलीशियस 100% ग्लूटेन फ्री नाश्ता बनकर तैयार है। हम इसे दही और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें।